इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे जो एल्यूमिनियम रहता है जिसे हम लोग चैनल में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का। हम लोग जो विंडो रहता है, विंडो का जो हम लोग ग्लास लगाते हैं उसमें क्या होता है एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे डोर बनाने में हमको एल्यूमिनियम यूज़ करता है। लेकिन एल्यूमिनियम का जो है एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि उसको प्लांट में बाहर कैसे निकालते हैं, जो और रहता है एल्यूमिनियम और वहाँ से उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसी वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक के बाद एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, अलग अलग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ये किसी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। अगर ये नॉलेज पर्पज़ के लिए है दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया है, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया है। मेटलर्जिकल दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम होता था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि ये वीडियो देख के उनको थोड़ा यूट्यूब में उनका कोर्स जो रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, वो इस सब्जेक्ट में मिलते रहे। तो दोस्तों, अभी चालू करते हैं वीडियो, यानी कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो एल्यूमिना है, यानी कि जो बॉक्साइड है Al2O3 × H2O, यानी कि इस हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूवल करना है, और एल्यूमिनियम इसको बोलते हैं एल्यूमिना, और इस सभी को मिला के बोलते हैं बॉक्साइड, यानी कि हमें बॉक्साइड से क्या लेके आने का है, एल्यूमिना लेके आने का है, जिसे एल्यूमिनियम को हम लोग बाद में क्या करेंगे, रिफाइनिंग करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में कौन सा प्रोसेस देखने वाले हैं, बेयर प्रोसेस देखने वाले हैं, यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग बेयर प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एल्यूमिनियम का और रहता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइड, बॉक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली उसको बहुत से अच्छे से बारीक पाउडर के फॉर्म में क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, यानी कि उसको पाउडर बना लेते हैं। उस पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, एक कैल्सिनेशन बिलो रेड हॉट, यानी कि उसको थोड़ा कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन और को मिला देते हैं, जिसमें रहता है कैल्शियम ऑक्साइड जैसा रहता है, जिसे कैल्शियम बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं एल्यूमिना पाउडर को। उसके बाद डिजाइस्टेड और भी 45% NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट 150 डिग्री NaCl प्रेशर, यानी कि 80 IB के प्रेशर पे हम लोग 150 टेम्परेचर तक क्या करते हैं, उसको 45% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है एल्यूमिनिया, और जो रहता है एल्यूमिनिया ऑक्साइड और NaOH, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनाएंगे, यानी कि NaAl। उसके बाद क्या बनाएंगे, NaAlO2+ हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके एक बार और समझाते हैं। तो Al2O3 जो रहेगा वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al बनाएगा, NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूवल करेगा। इस प्रकार जो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड वो है रिएक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों, जो हमें फाइनली मिलता है सॉल्यूशन, उसको हम लोग लेके जाते हैं सॉल्यूटेड विद द वाटर एंड अ फिल्टर रिमूव Fe2O3, यानी कि हमें जो इसमें फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड को क्या करना है, रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर्ड वाटर में और फिल्टर्ड में रिमूव हम लोग सप्लाई करते हैं, जिससे उसका इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाएगा। इम्प्योरिटीज़ निकलने के बाद उसको भी इम्प्योरिटीज़ जो रहता है Fe2O3, उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। फिर से उसको NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको क्या करते हैं, एगिटेट करते हैं। एगिटेट करने से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन मिलेगा, जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा, AlOH3 बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसे हम लोग और रिएक्ट करते हैं और फिल्टर करते हैं, जो हमारा इम्प्योरिटीज़ है उसको बाहर निकाल देते हैं। इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालने के बाद उसको और एगिटेट करते हैं, यानी कि उत्तेजित कर देते हैं 1000 डिग्री में, जिससे कि हमारा जो एल्यूमिना रहता है वो है हमारा जो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जो Al2O3 रहता है
2AN2ALOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्या किसमें कन्वर्ट होता है, Al2O3 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा वाटर का क्या है प्रेजेंट से निकल जाता है, जिसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं एल्यूमिना बोलते हैं। तो ये जो बियर प्रोसेस है वो हमने समझा है कि बियर प्रोसेस से Al2O3 यानी ये एल्यूमिनियम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जो बियर प्रोसेस है इसका केमिकल रिएक्शन है हम लोग डायग्राम में बाद में डिस्कस करने वाले हैं, एक और वीडियो आएगा जिसमें डायग्राम में डिस्कस किया गया है। तो ये केमिकल रिएक्शन आप समझ जाइए, उसके बाद हम लोग डायग्राम का वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।